नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, कल मैंने आपको कराया था प्रथम पाठ है सुभाषितानि, उसमें प्रश्न निर्माणम जो उसमें जो था प्रश्न निर्माण करने वाले, उसमें आपको किम शब्द के रूप काम में आ रहे थे। तो किम शब्द के जो रूप है अब पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसक लिंग के आपको याद करने हैं, ठीक है। और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के राम के, राम का पुल्लिंग शब्द, और स्त्रीलिंग का लता या कोई भी रमा, और नपुंसक लिंग का फलम, पुष्पम, पुष्पकम, किसी का भी एक नपुंसक लिंग शब्द रूप याद करना है। तो तीनों में आप एक एक कर लोगे ना बच्चों, तो आपको हर एक चीज़ में आसानी होगी, वाक्य बनाने में भी, पढ़ने में भी, उच्चारण करने में भी, हर जगह आपको आसानी होगी। जैसे राम अकारांत पुल्लिंग शब्द आपने कर लिया, तो कौन सी विभक्ति कहाँ आई है उसके अकॉर्डिंग आप बालक का, गज है, हस्त है ना, वृक्ष है, किसी के भी आप बना सकते हैं फिर। और जो पुल्लिंग जो शब्द है, राम शब्द है, उसका जो किम शब्द रूप है वो एक जैसा सही है ना, बस वो किम के हैं, लेकिन जो जैसे इसमें राम है उसमें क है आ जाएगा, उसमें रामम है उसमें कम आ जाएगा, रामेण है उसमें रामे केन आ जाएगा। इस प्रकार से आपको एक साथ में याद करने में आसानी रहेगी और प्रश्न निर्माण बनाते समय भी सुविधा रहेगी। तो हम राम के अकारांत पुल्लिंग शब्द याद करते हैं, ठीक है। और ये आपको कम जरूरी है करना, याद करना, ठीक है। तो विभक्ति, अभिभक्ति भी याद होनी चाहिए, फिर इनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप, ठीक है। तो पहले इनको याद कीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि आप जैसे वाक्य बनाते हैं तो कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में क्या आएगा, राम है, रामौ, रामः, यानी किसी एक के लिए हम राम है, बालक है, गज है, हस्त है, वृक्ष है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया। जैसे मैं बोलती हूँ ना प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ठीक है। तो और रामौ है तो प्रथमा विभक्ति का क्या हो गया, द्विवचन, ठीक है। और रामः क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो राम है, रामौ, रामः, ठीक है। फिर द्वितीय विभक्ति है रामम, रामौ, रामान, क्या है, रामम, रामौ, रामान, ठीक है। जैसे द्वितीय विभक्ति में हमें कि बालक को पुस्तक देनी है, तो बालक को, तो बालकम है ना, बालकों को देनी है, यानी दो बालकों को देनी है तो क्या करोगे, बालकौ, ठीक है। अनेक बालकों को देनी है, को जिसमें आ रहा है हम जिसके लिए वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, तो बालकान, तो बालकान हो गया, बालकान जहाँ शब्द आ गया, हमें समझ में आ गया कि द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन है, बहुवचन शब्द है, और हमें उसका अगर प्रश्न निर्माण करना है तो हमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का किम शब्द रूप का यूज़ में लाना होगा, तो जिसका क्या होगा, कान है ना, कान, ठीक है। फिर है तृतीय विभक्ति रामेण, रामाभ्याम, रामे है ना, और जैसे गजेन है, हस्तेन है, वृक्षेन है, सब में न आता है, लेकिन जहाँ मैं र और जो र और श का जो नियम होता है और री जो होता है वहाँ पे जो है न के स्थान पे अण हो जाता है ना, र और श का नियम मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस शब्द में र आता है ना और श आता है वहाँ पे न के स्थान पे अण हो जाता है, तो इसलिए इसमें रामेण आया है। रामेण तृतीय विभक्ति का एक वचन, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाभ्याम दो व्यक्तियों के लिए है ना, तृतीय विभक्ति, ठीक है। तो रामेण, रामाभ्याम, रामई, जैसे प्रथमा विभक्ति में क्या आता है, कर्ता में, कर्ता ने, तो जैसे किसी भी बालक ने है ना, तो क्या आएगा, राम है आएगा है ना, बालकों ने, दो बालकों ने, तो रामौ या बालकौ है ना, दो हाथियों ने, तो गजऊ, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो दूसरी विभक्ति में क्या आता है, को चिन्ह यूज होता है आपका, ऑब्जेक्टिव जो, ऑब्जेक्ट जो होता है को, ठीक है। फिर जैसे उसको है ना, को जहाँ यूज होता है, राम को, श्याम को, जहाँ आता है, मैं विद्यालय को जाता हूँ तो विद्यालयम, ठीक है, अहम विद्यालयम, ठीक है, विद्यालयम आ जाएगा, तो जैसे इसमें रामम है वैसे, ठीक है, वैसे हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और तृतीय जो होता है बाई विध, हम किससे कर रहे हैं, जो साधन होता है, ठीक है, हाथ से कर रहे हैं, हस्तेन, तो ये रामेण, रामाभ्याम, रामई। फिर चतुर्थी होता है के लिए, फोर, के लिए रामाय, रामाभ्याम, रामे भे, रामाय, रामाभ्याम, रामे भे। पंचमी फ्रोम है ना, से,
पंचमी क्या होता है, से, यानी जो उसमें थर्ड में भी से होता है लेकिन से के द्वारा होता है, उसमें उसके साथ होता है। जैसे हाथ में पेन से हम यूज़ करते हैं तो वो पेन जो होता है हाथ के साथ में होता है। तो कोई भी चीज़ जैसे मैं कलम से लिख रही हूँ तो अहम कलमेन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वृक्ष से पत्ता गिरता है, वहाँ भी क्या आया, से आया, तो वो अलग होने के अर्थ में, फ्रॉम यानी उससे अलग हो रहा है। वृक्ष से पत्ता नीचे गिर रहा है तो वो अलग हो रहा है ना। इसका मैं एक दूसरा भी आपको समझा दूंगी, लेकिन आप पहले इनको याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे इसमें रामात है प्रथम, तो वृक्षात, दो वृक्षों से गिर रहा है तो वृक्षाभ्याम, ठीक है। अनेक वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्षेभ्य। इस प्रकार से एक ही विभक्ति, एक ही जो शब्द रूप है उसे आप बना सकते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि उससे अलग हो रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, पंचमी विभक्ति, ठीक है। रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। फिर षष्ठी में क्या आता है, का के की, किसी का भी संबंध जो बताया जाता है वो षष्ठी में आता है। जैसे रामस्य, राम का, बालकस्य, बालक का, गजस्य, हाथी का, है ना। किसी के लिए भी का के की जो होता है उसका जो यूज होता है वो षष्ठी विभक्ति में होता है, ठीक है। रामस्य, रामयो, रामाणाम, ठीक है। फिर है सप्तमी, यानी जहाँ आधार होता है संबोधन, जहाँ सप्तमी मुख को क्या बोलते हैं, अधिकरण में पर, ठीक है। जहाँ आधार होता है, यानी मैं कक्षा में बैठी हूँ तो मेरा एक आधार हो गया ना। हाँ, पक्षी डाल पर बैठा है या वृक्ष पर बैठा है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं तो मैं, तो जैसे आसमाने, आकाशे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, आकाशे, आसमान में उड़ रहे हैं तो आकाश से वहाँ एक उनका आधार हो गया है ना। वृक्ष पर, तो वृक्ष पर आ जाएगा तो वृक्षे। तो इसी प्रकार इसमें क्या आया है, रामे। तो ऐसे ही आपके जो हैं वाक्य बनते हैं, ऐसे ही जो आपका जो है चैप्टर है, कोई भी कहानी है, कथा है, वह बनती है। तो रामे, रामयो, अगर दो है तो दो का उसके वृक्षयो कर देंगे, है ना। फिर अगर अनेक है तो वृक्षेषु कर देंगे, यानी वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं तो वृक्षेषु खगाहा तिष्ठंती, है ना, ऐसे कर देंगे। आसमान में या आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तो आकाश तो एक ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आकाशे ही करने पड़ेगा, ठीक है ना। आकेशु नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आकाश जो है एक ही है हमारा, ठीक है ना। जो साथ साथ सत्य है उसको हम इनकार नहीं कर सकते। फिर संबोधन जो है, हे राम, हे रामौ, हे रामा, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो रामय, रामौ, रामहा, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामानाम, रामे, रामयो, रामेशु, हे राम, हे रामौ, हे रामा। ऐसे ही इनके देखो आपको शब्द रूप है, किम के जो है प्रश्न निर्माण के लिए। तो देखो प्रथम विभक्ति में क्या आया था, राम है, आमा आया था ना, तो यहाँ प्रथमा में क्या आएगा, क है, क्योंकि पुल्लिंग का एक वचन है, पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति का एक वचन राम है। तो किम शब्द अगर हम यूज करेंगे उसके लिए, तो पुल्लिंग का ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन हम प्रयोग में लाएंगे, तो क्या होगा, राम है के स्थान पे अगर राम है को अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ, और आपको प्रश्न निर्माण करना है, या गजय है, वृक्ष है, कोई भी पुल्लिंग शब्द रूप है, ठीक है, अश्व है, तो आप क्या करोगे, उसके स्थान पर क है। संत है, है ना, संत है, केसर जयंती, वैसे जो आपके इसमें आया है, तो क्या करोगे, क है। फिर द्विवचन में प्रथमा विभक्ति का कौ के, कह कौ के, कह कौ के। फिर द्वितीय में उसमें क्या था, रामम, रामौ, रामान, ये था ना। तो इसमें क्या आ जाएगा द्वितीय विभक्ति में, कम कौ कान, कम कौ कान, ठीक है। फिर तृतीय विभक्ति में केन काभ्याम कई, केन काभ्याम कई, कस्मई। चतुर्थी विभक्ति में कस्मई काभ्याम के भे। फिर पंचमी में कस्मात, उसमें क्या था, रामात, तो रामात के स्थान पे क्या आ जाएगा, कस्मात। अगर प्रश्न निर्माण हमें करना है तो कस्मात काभ्याम के भे। फिर षष्ठी विभक्ति उसमें था रामस्य, बालकस्य, है ना, जो भी शब्द है पुल्लिंग का उसके स्थान पे हमें करना हो पुल्लिंग, प्रश्न निर्माण करना हो पुल्लिंग से, तो कश्ये, है ना, द्विवचन में कयो केशाम, कश्ये कयो केशाम। फिर सप्तमी है कस्मिन कयो हो केशु, सप्तमी विभक्ति क्या है, कस्मिन, जैसे अभी जो क्वेश्चन आया था आपका जो है तस्य मूर्धनी तिष्ठन्ति वायसा, तस्य मूर्धनी तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर कव्वे बैठे हैं, ऐसे आया था। तो किसके सिर पर बैठे हैं,
तो वो मूर्धनी जो था पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति का क्या था, एक वचन था, तो उसके स्थान पे मैंने बताया था ना कल जो आपको करवाया था, उसके स्थान पे मैंने क्या बताया पुल्लिंग शब्द की किम शब्द रूप का प्रथमा सप्तमी विभक्ति का एक वचन कस्मिन बताया था, और एक क्या बताया था कुत्र अव्यय शब्द बताया था कि आप कुत्र भी प्रयोग में ला सकते हैं और कस्मिन भी ला सकते हैं, यानी कहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। तो कस्मिन कयो हो केशु, तो आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको इनको करना है। कल मैं कराऊँगी स्त्रीलिंग शब्द फिर नपुंसक लिंग शब्द, तो ये आपको अच्छे से लिखना है इनको और अच्छे से याद करना है, एकदम से नींद में भी कोई पूछे तो आपको याद हो जाना चाहिए, ये आपको कंपलसरी है, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।